पढ़ने में भी अच्छे, आंचल की तरह, घर के काम में भी अच्छे। और ककड़ी तो अभी नहीं निकाली हमने, वो संभाल के रखी हुई है हमने। अब ऐसी संकरी सड़कें हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत देखिए, मतलब मौसम गड़बड़ सा ही है, हो सकता है बारिश लग सकती है। और आजकल पहाड़ों में सभी महिलाएं लगी हैं खेती बाड़ी के कामों में। अब सभी घोड़े खच्चर केदारनाथ धाम की यात्रा से वापसी आ गए हैं, तो वो लोकल में भी आजकल यहाँ काम करते हैं। अब इसके बाद जो घर बनाने का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। मॉनसून खत्म होते ही बहुत ज़्यादा काम लग जाते हैं यहाँ। अब यहाँ पे सीढ़ी तो बन चुकी है, उस पर पेंट भी जल्दी से कर देना था, लेकिन मौसम गड़बड़ी है तो ऐसे में पेंट नहीं कर सकते हैं। और पता, बारिश लग रही है तो सीढ़ी पे जंग बढ़ते जा रहा है, उससे पहले हमको उस पर प्राइमर और पेंट लगा देना होगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर रगड़ने की आफत होगी बहुत ज़्यादा उससे। मशीनों ने लाइफ कितनी आसान कर दिया ना। पहले हमारे पास जैसे वॉशिंग मशीन नहीं थी तो हम हाथ से कपड़े धोया करते थे, उसमें टाइम भी लगता था, और अब मशीन होने से टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी अब करते हैं नाश्ता, क्योंकि सुबह से ही घर का सारा काम निपटा दिया है मैंने। यहाँ इंटरनेट की इतनी समस्या है कि फोन को ऐसे रखना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से नेट चल रहा है। रात को वीडियो अपलोड पे लगाती थी, अभी तक नहीं हुई, शायद रीस्टार्ट हुई। और बाहर हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। अब बारिश का अलर्ट है तो बारिश तो लगेगी ही। दिन के करीब 1:30 बज रहे हैं और अभी मेरी तैयारी है लंच करने के लिए पुराने वाले घर पे जाने की, साथ साथ वहाँ से शायद शाम के टाइम पे मैं मार्केट के लिए निकल जाऊँ, क्योंकि अगर आज शाम को इन्वर्टर की फिटिंग करेंगे तो उसके लिए एक वायर चाहिए जो कि पैनल से होके इन्वर्टर पे आएगी। तो चलिए जी, निकल पड़ते हैं मनसूना से अपने घर की ओर। और ये मनसूना मार्केट इस टाइम अभी सुनसान सा है, क्योंकि स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है और लोग अभी लंच के लिए अपने अपने घरों पे होंगे। और ये मानसून का टाइम है तो पहाड़ों में आजकल ऐसे ही हरियाली आपको हर जगह देखने को मिलेगी, और इस हरियाली को देख के ना मन खुश हो जाता है। और पहाड़ों पे देखिए बादल कितने नीचे तक आए रहते हैं, ये मतलब दिन भर ऐसे ही रहते हैं। आज तो पापा जी अपनी स्कूटी से ही घर आए हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं भी जाऊंगा उकीमठ, लेकिन पापा जी जा रहे हैं कुछ काम से, मुझे भी बस वही काम था, एक तार लेना था, पापा जी ले आएंगे। और आजकल यहाँ घर के रास्ते में ना खूब सारे छंचरे लगे हुए हैं, और कुछ टाइम में छंचरे सारे पक जाएंगे तो वो खाने के लिए होते हैं। और इस घर पे आके ना नजारे ही चेंज हो जाते हैं पूरे। नए वाले घर से मध्मेश्वर वैली पूरी दिखाई देती है, और इस वाले घर से केदारनाथ वैली के काफी सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। अभी शाम के करीब 5 बज रहे हैं और बारिश का अलर्ट था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत धूप लगी हुई है तो अच्छी बात है। पापा जी अभी मार्केट से नहीं आए तो माँ और मैं गौशाला का सारा काम निपटा देते हैं एक बार। और घर के पास में यहाँ पे भीमल का एक पेड़ है, इससे पुराने जमाने के लोग रस्सियाँ भी बनाते थे इसके बाहर की छाल को निकाल के, और उससे ना साबुन भी बनती थी। मतलब उसी छाल को ना अगर गीला करके सर पे लगाएंगे, वो साबुन का या शैम्पू का जैसे काम करता था, झाग बनता था उससे। और इस पे आजकल छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, और पता है बचपन में इन दानों को हम ऐसे निकाल के मुंह में रखते थे, चबाते थे, पता नहीं होता कुछ नहीं, खाते नहीं है कि इनको। और जब ज्यादा बारिश होती है ना तो यहाँ धारे के आसपास भी काफी ज्यादा डर रहता है, क्योंकि ऊपर से भी यहाँ लैंडस्लाइड का डर है। पहले जब हम छोटे थे तो मानसून के टाइम पे दादाजी हमको यहाँ धारे के आसपास आने नहीं देते थे। और पिछली 3 वीडियो से लगातार मैं इस रास्ते को आपको दिखा रहा हूँ। पहले दिन पानी कितना ज्यादा था, दूसरे दिन थोड़ा कम था, और आज बिल्कुल सूख सा गया है। और बारिश के टाइम पे काम आते हैं ऐसे वडार, जहाँ पे कि हमने कुछ चीजें ऐसी रखी हैं जो भीगनी नहीं चाहिए। और जैसे मैं गौशाला में पहुंचता हूँ तो आंचल लोगों की जो गाय है ना, ये मुझे मारने के लिए आती है, इसे जरा सावधान रहना पड़ेगा। और आंचल बैठी है अपनी गौशाला के पास में, हाथ में गोबर लगाए। जो पहाड़ की लड़कियां रहती है ना, छोटी बच्चियां, वो सारा काम कर देती हैं घर का, मतलब बचपन से ही वो ऐसे माहौल में डल जाती हैं, सारे काम में एक्सपर्ट रहती हैं, पढ़ने में भी अच्छी आंचल की तरह, घर के काम में भी अच्छी। और आंचल लोगों के सगड़े में भी आजकल देखिए बीन्स के जो बेल हैं ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पे मिर्च बोई है, यहाँ पे करेला है, ककोड़ा जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे गोबर की मरास है, मतलब कि गोबर ऐसे डाला रहता है। और यहाँ पे ये देखिए सूखी लकड़ियां रखी हुई हैं जो कि जलाने के काम आएंगी। और आजकल ना सूखी लकड़ियां मिलना जरा मुश्किल सा काम है, इसमें काम आता है जो पहाड़ी किचन रहता है, लकड़ी वाला किचन रहता है, उसके ऊपर इंद्रु बनाया रहता है, मतलब
दो तार ऐसे लगाए रहते हैं, उनमें लकड़ियां रखी रहती हैं सुखाने के लिए। वैसे भी दूध दुहने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमको गिरिया जाना पड़ता है तो हम सारा काम जल्दी निपटा देते हैं। और ककड़ी तो अभी नहीं निकाली हमने, वो संभाल के रखी हुई है हमने। और यहाँ छत में एक पक्षी बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों बैठा हुआ ऐसे, जबकि इतने नजदीक पक्षी आते नहीं है। मैं उसके ज्यादा नजदीक जाऊंगा तो हो सकता है वो भाग जाए। अरे भाग गया, बोलते बोलते ही भाग गया वो नीचे। चलो अच्छी बात है, उसको कुछ हुआ नहीं था, अगर कुछ हुआ रहता थोड़ा दिक्कत थी फिर। और मुझे याद है कि बचपन में इन्हीं दिनों जब मॉनसून का टाइम रहता था तो मैं यहाँ पे बैठा रहता था, मतलब देखभाल करने के लिए कि यहाँ कोई बंदर ना आए, लंगू ना आए, तो यहाँ पे मस्त छतरी रख के बैठा रहता था। तो चले जी, गौशाला का काम जल्दी से निपटा दिया है और अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। और हमारा डेली का टारगेट ये रहता है कि यहाँ के काम जल्दी से जल्दी निपटा दिए जाएं, जिससे कि हम जल्दी से नए वाले घर की ओर चल पड़े। बाकी आंचल का कुछ काम धाम तो है नहीं, बस बैठी हुई है। चल ठीक है फिर, बाय बाय। यहाँ पे एक फनी सी बात बताऊं आपको, जो वडार है ना उसने पानी से बचा रखा है इनको, उसके ऊपर से भी छतरी रखी हुई है वहाँ पे। गांव में जाके मैं धारे को जरूर मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना उसका स्वाद ही कुछ अलग है। बाकी यहाँ पे ना नहाने का मजा और भी अलग है। और यहाँ से दो बोतलों पे पानी ले जाना घर तक। और पता, पापा जी मार्केट से आ रहे हैं और जो तार सोलर पैनल से बैटरी के लिए आनी थी वो तार उकीमठ में कहीं मिली नहीं। अब दीदी लोग आ रहे हैं शायद कल घर को, तो उनसे मंगवा देते हैं, क्योंकि ऋषिकेश या देहरादून में तो मिल ही जाएगी। और यहाँ घर में ना पापा जी ने खूब फुलवाड़ी करी हुई है, छोटे छोटे से फूल लगाए गए हैं, उनपे की छोटे से पौधे पे भी अच्छे फूल लग जाते हैं। अब थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा और यहाँ हल्के फुल्के बादल हैं और इधर साइड से मौसम काफी सही हो रहा है। पिछले साल तक आपने देखा होगा यहाँ पुराने वाले घर की छत पे ना खूब सारे कंटर रखे रहते थे, लेकिन इस साल नहीं रखे, इस साल सारे नीचे खोले के पास में ही रखे हैं। बाकी यहाँ पे जो ये सवाल है ना, कुछ टाइम में जब थोड़ा सूखा पड़ने लगेगा, मतलब बरसात कम होगी, तब इसको अच्छे से उखाड़ देंगे या अपने आप ही उखड़ जाएगी वो। और यहाँ पे लकड़ी का किचन था तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको भी सुधारना है। भले यूज नहीं होगा लेकिन घर में लकड़ी का किचन चाहिए ही। तो आज हम पे स्कूटी भी है तो माँ मेरे साथ चलेगी, पापा जी स्कूटी से अकेले ही जाएंगे। ये स्कूटी के आगे से माला कहाँ से लगी? और पापा जी को फुलवाड़ी का इतना शौक है, बोल रहे वो माला से वो फूल सूख गए हैं, उनको अब बल बोना था। बल माँ को बल, मेरे को देख के डर लगता है। और आजकल ये बेचारे घोड़े खच्चर देखिए क्या मस्त से चल रहे हैं, पिछले दो महीने तो ये केदारनाथ धाम की यात्रा पे रहे होंगे तो वहाँ तो इनकी बहुत हालत खराब हो जाती होगी चढ़ाई पे चढ़ते हुए। अब ये घोड़े खच्चर घर आ गए हैं तो अगले कुछ महीने ये घर में ही काम करेंगे, पर यहाँ ये है कि यहाँ नॉर्मल सा काम रहता है वहाँ के हिसाब से। अब ऐसी संकरी सड़कें हैं तो आगे से जैसे ट्रक आ गया लोड वो भी, तो उसके लिए रास्ता देना बड़ा ज़रूरी है। हमारी प्लानिंग यह है कि परसों हम तुंगनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाएं पूरी फैमिली के साथ, पर माँ के साथ दिक्कत यह है कि गाड़ी में माँ को उल्टी होती है, माँ बोली कि बाइक में चले आऊंगे। लेकिन जब हम पिछली बार गए थे मक्कू मठ तो उस टाइम बाइक में भी जरा सा तबीयत खराब हुई थी, और इस साइड आते ही तो नज़ारे बदल जाते हैं, मधमहेश्वर वैली का पूरा खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है यहाँ से। इस चढ़ाई पर सामान ले आना कोई आसान काम नहीं है, और अभी मेरे पास ये तेल का टिन है, हमारे बगल पड़ोसी हैं ताऊ जी उनका है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा भारी हो रहा है तो ले जाओ, मैंने कहा ठीक है ले जाते हैं। और पता है गांव में अभी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, मदद में यहाँ बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ तो ना जैसे किसी का घर बनता है, सरिया और जैसे वो दरवाजे रहते हैं उनके एंगल रहते हैं, वो भी मदद में ले जाते हैं घर तक। तो सोचिए अभी गाँव में सब चीज़ें चलती हैं, अपने घर का रास्ता तो यहीं से है लेकिन थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो हेलमेट यहीं पर छोड़ देते हैं तब तक। जी यहाँ पे वो टिन छोड़ दिया है जिनका वो टिन है, और यहाँ देखिए आजकल मतलब साग सब्जियाँ तो घर में ही हो जाती हैं हर किसी के। चढ़ाई पे जरा हालत तो खराब होती है लेकिन सही बात है, एक्सरसाइज तो हुई, कम से कम पसीना निकलना बहुत जरूरी है। और यहाँ नए वाले घर के ठीक सामने पे ना यहाँ पे भी खूब सारी सब्जियां हो रही है, देखिए भिंडी की पौधे कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। और ये निकली थी हमारी किचन गार्डन से दो तीन भिंडियां, ये देखिए जी दो और निकल गई, इनको जल्दी से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जल्दी से पक्की हो रही हैं, तो फिर खाने में अजीब सी होती है, वो ज्यादा कटकटी सी लगती है। और स्कूल टाइम पे ऐसे होता था ना जैसे किसी ने अगर हिंदी बोलते टाइम गलती से बीच में कोई गढ़वाली वर्ड बोल दिया ना, उसकी बहुत हंसी उड़ाते थे, अरे यार इसको हिंदी नहीं आ रही, मतलब गढ़वाली बोल रहा बीच में। तो मैं अपने ब्लॉग में ना काफी कोशिश करता हूँ कि बीच में गढ़वाली वर्ड लाते रहूं, जैसे मैंने अभी बोला कटकटी, तो हमारे यहाँ जो कठोर होता है ना उसको बोलो मैं कटकटूएगी कटकटी ऐसे कुछ बोलते हैं, तो फिर मैं बीच में बोलते रहता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब एक फ्लो सा बन जाता है उसमें।
और आजकल मैं घर पे ही हूँ तो घर के ही ब्लॉग आपको देखने को मिल रहे होंगे। बाकी इन खूबसूरत नजारों को तो हमेशा देखने का मन करता ही है, और कुछ टाइम में अगर कुछ ट्रैवलिंग होगी तो आपको भी जरूर वीडियो देखने को मिलेंगी। बाकी अभी प्लानिंग तो है काफी सारी ट्रैवलिंग करने की,